समा रही हूँ सत्तरपुर से, थोड़ी सी अंडर, थोड़ी सी मीन्स काफ़ी अंडर है, भाटी मंस नाम का एक जगह है सत्तरपुर मेट्रो स्टेशन से। 50 रुपीस दे के शेयर वाला 40 का भी है जो टाटा का होता है, मैजिक 40 का है, और जो ऑटो है जनरल ऑटो वो 50 का है। जा ही रही हूँ ऑटो से उतर के, शेयर वाला ऑटो में आया था। बहुत दिन से एक साल से सोच रही हूँ कि गुरु जी का आश्रम है, जो बड़े मंदिर है, शिव जी का परम भक्त जो गुरु जी है उनका बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है। एक साल का बाद आज ही आने का मुझे अवसर मिला है। सत्तरपुर तक मेट्रो से आया और सत्तरपुर से शेयर वाला वो से आया, वो सिलाता ही रहेंगे। आप लोग भी जो नहीं आया हुआ है तो कोई भी मेट्रो स्टेशन से जैसे उतरोगे सिलाते ही रहेंगे कि गुरु जी मंदिर जाना है। 50 रुपीज़ होता है पर पर्सन, और बड़ा वाला टाटा मैजिक में 40 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो देखिए। उधर वीडियो शायद अलाउ नहीं है, उधर नहीं कर पाऊँगी। अभी 5 बज गया लेकिन गर्मी का दिन है, इसलिए अप्रैल है, इसलिए अभी पूरा रोशनी है। ये रास्ता से मैं पैदल आया, वो ऑटो उधर ही, उधर से नहीं आएगा, ये पैदल ही आना पड़ेंगे। यही लग रहा है सारी तरफ बॉर्गन वेलिया है, फार्म हाउस है शायद सारी तरफ किसी किसी का, पैजाला लोगों का। ये है वो अशोक का पेड़, देवदार, दोनों तरफ शायद फार्म हाउस का वाल है, ये पूरा वाल ही वाल है लोगों का। अभी मंदिर अच्छा लग रहा है पैदल चल के, हवा बह रही है, खुला सब मैदान है, सब इधर कुछ होता है, यही रोड पे अच्छा लग रहा है। इतना खुला डुल्ला एरिया है गांव जैसा दिल्ली में, सत्तरपुर एरिया। थैंक यू, सुंदर एरिया है, कलर का बहुत गन भी लिया है। ये नीम का पेड़ है, अच्छा लग रहा है, सुंदर फ्लावर है, बोगन भी अलग अलग कलर, सुंदर सुंदर बोगन बेलिया है। इसका अंदर वो बंदर है, ये वाह कितना खुला दुला एरिया है, ये पूरा बोगन बेलिया का फेंसिंग, ये वॉल का ऊपर बोगन बेलिया का फेंसिंग, बेलिया फेंसिंग कितना अच्छा लगता है। कितना सुंदर बोगन बेलिया, दोस्तों अभी अंडर वीडियो करना अलाउ नहीं है, तो निकलने का बात करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुरु जी का वहाँ से प्रसाद भी मिला, ब्रेड पकौड़ा और लाड्डू मिला है, देसी घी का लड्डू और चाय। शाम का वक्त है, शायद दोपहर को खाना भी मिलता है, रोटी सब जोड़ भी, कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर में, यही काफ़ी है। प्रसाद ले लिया, चाय पिया और अभी आ गया हूँ, क्योंकि वो बैरिकेड लगा के दिया है ना, जैसे जाओगे 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 खाओगे और ऐसे निकल आओगे, ऐसे रुक भी सकते हो, देख सकते हो उधर वो सुन के भजन सुन के, लेकिन मैं निकल ही आई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है पंटों का साथ बैठ के। और अभी पैदल चल के भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो 600 मीटर 700 मीटर भी होंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है पैदल चल के, हवा बह रहा है, खुला खुला एरिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर व्यूअर्स, आप लोग भी जो लोग नहीं आए हैं आ सकते हैं। सत्तरपुर मेट्रो से जाऊंगी घर।